ईयर 1896 में हुआ एंग्लो जाजीबार युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। यह युद्ध सिर्फ 38 मिनट्स तक चला, लेकिन इस युद्ध में करीब 500 सैनिकों की मौत हुई थी। मैक्सिको के राजा सेंटा एना का युद्ध के दौरान पैर कट गया था, पर क्या आपको पता है कि उस पैर का आखिर हुआ क्या? उस पैर का बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। ऑटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम प्रथम के हरम में 300 रखैले थीं, जिसमें से एक के बेवफा हो जाने पर उसने सभी को मारने का हुक्म दे दिया था। प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए नौकरों के शरीर में शहद लपेटकर उन्हें शहर के बाहर कर दिया जाता था, ताकि मधुमक्खियां राजमहल में ना जाकर किले से बाहर ही रहें। 19वीं शताब्दी से पहले जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते थे। अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या पकड़ा जाता था, तो उसे कैद नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सेपकु नाम की रस्म के तहत उन्हें अपने हाथों से अपनी अंतड़ियों को चीर कर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान से मौत को गले लगा सके। यूरोप के कुछ जगहों पर 15वीं शताब्दी में मृतकों के शवों को खाया जाता था। ऐसा करने के पीछे मान्यता थी कि वो अपने रोगों से बच सकेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी एयरफोर्स में महज 18 पायलट्स ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने सभी ब्रिटिश टैंक पूरी तरह से बंद होते थे। इनके अंदर ही रहकर सभी काम करने की सुविधा थी। रोम के महाराजा कोमोडस ने सभी विकलांग लोगों को रोम में इकट्ठा किया और सबको एक दूसरे से लड़ते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। वाइकिंग्स अमेरिका की खोज करने वाले पहले लोग थे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।